भाई ये दोनों ब्लाजामुन मिलकर कौन सा पोकेमोन निकालने वाले हैं, ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ भी मिल जाए आई विल बी मोर देन हैप्पी, या फिर ब्लाजामुन ही मिल जाए तो भी मजा आ जाएगा। ठीक है चलो लेट्स सी इन 3, 2, 1 एंड वी हैव अ लेजेंडरी ब्लाजामुन ब्रो। 3, 2, 1 एंड अनोबिस मिल गया ब्रो। खुशी में हम लोग करने वाले हैं एक धमाकेदार ब्रीडिंग एपिसोड, जहां पर हम लोग नए जनरेशन के नए पावरफुल पोकेमोन्स को ब्रीड करवाने वाले हैं हमारे अल्टीमेट बॉसेस के साथ। तो बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, तो देर किस बात की यार, नहीं हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और अपना ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो शुरू करते हैं आज का ब्रीडिंग एपिसोड। भाई मैं कितना खुश हूँ यार ये एपिसोड बनाने में, लेट्स गो। Alrighty boys, breeding episode, भाई हम लोग ने लास्ट टाइम वाला बेस तोड़ दिया था, बट वापस से मैंने इसके बीच में एक फाल बॉक्स लगा दिया है, तो सारा का सारा बेस वापस रिवाइव हो चुका है हमारा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ब्रीडिंग बेस आ चुका है हमारे पास। और ये क्या है भाई, कौन फाइट कर रहा है हमारे ब्रीडिंग बेस के आसपास? एक मीटियर फेंकूंगा ना यहाँ, सबकी वाट लग जाएगी तेरी, तो सबके सब गायब हो जाएंगे मेरे सामने। तो आज के इस एपिसोड का भाई वेट मैं काफी टाइम से कर रहा था, क्योंकि नए पोकेमोन्स की ब्रीडिंग का एपिसोड आज तक आया ही नहीं है, एंड मैं सारे के सारे नए पोकेमोन्स को ब्रीड करवाने वाला हूँ। सारे के सारे पालवल यूट्यूबर से मैंने ब्लाजामुन भाड़े पे मांग कर लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, तो सबके साथ कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले भाई शुरू करते हैं हमारी ब्लाजामुन और ब्लाजामुन की गर्लफ्रेंड से। भाई दोनों के दोनों हमारे सामने है भाई, ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोगों ने इतना ज्यादा मुझे सजेस्ट करा है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ भाई। तो आ जाओ इनको लेते हैं यहाँ पर और ब्रीडिंग बेस में डालते हैं। आ जाओ भाई। ओए हेलो बड़े भाई, मेन ब्लाजामुन कहाँ भाग रहा है? भाई ये दोनों ब्लाजामुन मिलकर कौन सा पोकेमोन निकालने वाले हैं, ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? तो खाना खाने जा रहा है भाई, मैं तो डर गया। बट एनीवेज गाइस, ये हमारा किंग ब्लाजामुन जो कि बॉस पोकेमोन है, एंड ये रहा हमारा ब्लाजामुन त्रियो जिसके पास बहुत सारे नए नए अटैक्स हैं। तो ये दोनों की तो भाई यहाँ पर सीन सॉर्ट हो चुका है, केक वगैरह भी मैंने डाल दिया था सभी लोगों के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, जो की होने वाला है विक्सिन नॉक और हमारा ब्लाजामुन त्रियो। भाई विक्सिन नॉक, दोनों के दोनों डार्क टाइप पोकेमोन्स यहाँ पर आ गए हैं। चलो भाई विक्सिन आप भी यहाँ पर जाओ और ब्लाजामुन रियो तुम भी यहाँ पर आ जाओ बेटा। भाई ये ब्लाजामुन को जब उठाता हूँ ना भाई, पूरे पत्थर वत्थर का आवाज आता है इसको तो, और कितना भारी है भाई, मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ चल के इसकी तरफ। चलो भाई ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो चुका है भाई, ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमोन और यहाँ पर डार्क और फायर टाइप पोकेमोन। भाई यहाँ पर भी गजब होने वाला है भाई, कुछ तो बहुत ज्यादा बढ़िया आने वाला है भाई। आ जाओ भाई विक्सिन नॉक एंड ब्लाजामुन त्रियो, दोनों का यहाँ पर ब्रीडिंग हो रहा है भाई। इतने टाइम बाद में यहाँ पर ब्रीडिंग एपिसोड बना रहा हूँ, मजे आ गए हैं। ऑल्सो गाइस चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन की तरफ, ये है नॉकलेम एंड ब्लाजामुन त्रियो। भाई नॉकलेम और ब्लाज, अरे भाग रहे हैं भाई दोनों के दोनों, इतने टाइम से ब्रीडिंग नहीं करवाई ना, ये सारे के सारे ना एकदम थोड़ा ग्रांटेड लेके बैठे हैं मुझे। भाई नॉकलेम को देखो यार, मजेदार कॉम्बिनेशन है ये वाला। भाई नए पोकेमोन्स को ब्रीडिंग करवाने में बहुत मजा आएगा। अभी ये बात तो है कि नॉकलेम और ये दोनों के दोनों नए पोकेमोन्स हैं। एक बार सिर्फ सोचो, ब्लाजामुन और ये नए नए पोकेमोन्स को अगर हम ब्रीड करवाएंगे जेट्रा ड्रैगन फ्रोस्टालियन इन सबके साथ, तो क्या ही धमाका कॉम्बिनेशन निकलेगा। तो सभी की सभी अपने अपने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन कमेंट सेक्शन में बताना एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, तो ही आप लोग का ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन इस वीडियो में आ सकता है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना। ऑलराइट, तो यहां पर नॉकलेम ग्राउंड टाइप पोकेमोन और हमारा ब्लाजामुन त्रियो दोनों के दोनों की ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है यहां पर। भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्या निकलने वाला है। ये तीनों के तीनों इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना। इनफैक्ट भाई अब देखो डोजन एंड ब्लाजामुन त्रियो। भाई डोजन तो आप लोग को पता है भाई, ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमोन है ना, ये कहीं भी फाइट से हमें ना उठा के अपने बेस पर लेकर आ सकता है, इसके पास ऐसी जादुई ताकत है। चलो भाई ब्लाजामुन त्रियो आप भी आ जाओ यहाँ पर ब्रीडिंग करने। भाई डोजन एक न्यूट्रल पोकेमोन और यहाँ, अरे ये ब्लाजामुन यहाँ कहाँ चला गया भाई? अरे गलत जगह पर, गलत पता पर आ गया भाई, ये तो ये गलत पते पे आ गया भाई, इसको यहाँ ब्रीडिंग करनी थी, गलत जगह पर आ गया। ऑलराइट, डोजन हमारा एक न्यूट्रल पोकेमोन है और ब्लाजामुन आ गया है वहां पर। ब्लाजामुन रियो भाई, डार्क ब्लाजामुन बोलते हैं। अब बारी है हमारे और एक नए अपडेट के बॉस मीना स्टिंग को लेकर आने की यहाँ पर ब्रीडिंग बेस के लिए। भाई मीना स्टिंग टेरा आ चुका है गेम के अंदर, अगर आप लोग को नहीं पता है, मैंने इसको
उसको कैसे मारा है आप जरूर चेकआउट कर सकते हो पिछले कुछ एपिसोड्स में। बट यहाँ पर भाई मीनास्टिंग टेरा आ चुका है और इसको हम लोग ब्रीड करवाने वाले हैं हमारे ब्लाजामुथ के साथ, वो भी डार्क वाले। सारे के सारे पोकेमोन यहाँ पर आने वाले हैं अभी। ऑल राइट, इन लोगों का भी यहाँ पर हो चुका है एकदम ब्रीडिंग स्टार्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन के तरफ। भाई देखो एक बार क्या ही चल रहा है भाई यहाँ पर। चलो भाई अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन के तरफ। ये है हेल्स ऑफ फायर। भाई हेल्स ऑफ फायर ब्लाजामुथ रियू, क्या ही कॉम्बिनेशन होने वाला है। इलेक्ट्रिक है हेल्स ऑफ फायर और हमारा ब्लाजामुथ है ड्रैगन और फायर टाइप। भाई इतने मल्टीपल टाइप के पोकेमोन यहाँ पर अभी ब्रीड हो रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ऑल राइट, हेल्स फायर भी यहाँ पर आ चुका है। भाई मैं तो देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गाइस इसके अंदर से क्या हमें एक ब्लाजामुथ रियू अल्ट्रा मिल सकता है कि नहीं, वो मुझे देखना है। बट यहाँ पर हेल्स ऑफ फायर और ब्लाजामुथ भी दोनों के दोनों आ चुके हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस ब्रीडिंग फार्म में आपका भी ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन लगे तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन में अपना ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन जरूर बता देना, है ना। चलो भाई अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन के तरफ। ये होने वाला है क्वेरीन बोटान एंड हमारा ब्लाजामुथ। भाई क्वेरीन बोटान दोनों के दोनों नए पोकेमोन, सारे के सारे नए पोकेमोन को तुम्हारा ब्रीडिंग मास्टर ब्रीड करवा के ही मानेगा, देख लेना आज। चलो भाई ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रीडिंग है। एंड आल्सो अपडेट के बाद मैं एक चीज बताना भूल गया, अब हमारे पाल बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर 3 स्लॉट और आ चुके हैं, तो और भी बड़ा ब्रीडिंग वीडियो बनेगा एंड बहुत सारे नए नए कॉम्बिनेशन भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बेस को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए फिलहाल के लिए आज चलते हैं हमारे बोटान के। अरे कहाँ गया भाई, यहाँ बैठ गया यार, ये चुपके से है, तेरे को क्या लगा, पता नहीं चलेगा मुझे। यार इसको उठाते हैं ना, इसकी मुट्ठी उठी में देखो भाई पूरा डार्क पावर घूम रहा है। चलो भाई ब्लाजामुथ रियू एंड क्वेरीन बोटान दोनों के दोनों ड्रैगन टाइप हैं, एक फायर है और एक ग्रास है। भाई क्या ही निकलने वाला है यार, मैं लिटरली ब्रीडिंग मास्टर होने के बावजूद भी है ना गाइस, मैं इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का कुछ भी बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या निकल सकता है। और यहाँ पर देखो बॉयज, भाई यहाँ पर एक बड़ा सा ह्यूज स्कॉर्चिंग एग दिया हुआ है इन्होंने एंड यहाँ पर भी इन्होंने कुछ दिया हुआ है यार, ह्यूज रॉकी एग। भाई साहब दोनों के दोनों अंडे में से क्या निकलने वाला है देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब बारी है हमारे यहाँ पर भाई मशरूम की बारी है। भाई अब मशरूम की एक मशरूम को ले लेते हैं ब्लाजामुथ रियू के साथ। भाई मशरूम पोकेमोन, ऑल राइट बॉयज, ये हमारा आखिरी ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मशरूम। भाई इसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स है, एक ग्रास और एक डार्क टाइप पोकेमोन है और इसका यहाँ पर पार्टनर है ब्लाजामुथ रियू। भाई मेरे पास और भी बहुत सारे ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन मुझे बताने वाले हो। तो भाई सभी के सभी ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन को हम लोग करने वाले हैं ट्राई। बट हमारे पास देखो और भी यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन बाकी थे, बट इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि आज के इस वीडियो के लिए सारे के सारे ब्रीडिंग बेस भर चुके हैं यार और हमें पूरा का पूरा नया बेस बनाना पड़ेगा। तो वो नए बेस में हम लोग बनाने वाले हैं। भाई यहाँ पर देखो भाई सारे के सारे ब्रीडिंग अभी हो रही है, चुपचाप इन लोगों को ब्रीड करने देते हैं, 3-3 अंडे सबके निकलने देते हैं, उसके बाद हम लोग इनको अनलॉक करेंगे, उसके बाद हमें देखने मिलेगा नए अंडे नए पोकेमॉन्स क्या निकालते हैं। चलो भाई एक टाइम लैप्स के लिए रेडी हो जाओ। चलो 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 चलो, नए पोकेमॉन्स की ब्रीडिंग हो चुकी है फाइनली। सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो ये वाला है और इस वाले कॉम्बिनेशन को मैं सबसे आखिरी में खोलने वाला हूँ क्योंकि ये ब्लाजामुथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों है, तो हालांकि इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। इनके पहले इनका अंडा खोलने वाला है विक्सन नॉक्ट एंड ब्लाजामुथ रियू। भाई साहब 3 ह्यूज रॉकी एग दिए हुए हैं, इनका क्या होने वाला है देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो भाई 3-2-1 एंड अनुबिस मिल गया ब्रो। भाई इन दोनों को ब्रीड करके अनुबिस मिल सकता है। भाई एक और अनुबिस का कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है, बट गाइस इस वाले अनुबिस के अंदर क्या क्या पहले तो चीजें हैं देखने दो एक बार। ब्रो इसके अंदर ड्रैगन वाली एबिलिटीज ऑलरेडी है। भाई आ जाओ बाकी सारे अंडे भी खोलते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या एबिलिटीज होने वाली है। लकी मिल गया हमें एक लकी अनुबिस, देखो लकी अनुबिस, और यहाँ पर भी एक और एब नॉर्मल अनुबिस मिला है हमें, बहुत ही ज्यादा शानदार। चलो भाई जो भी पोकेमॉन्स आ रहे हैं उन सबको यहाँ
पर रखते हैं और हमारे इन दोनों मेन पोकेमोन को रखते हैं, ठीक है। ये दोनों भाई, इसको देखो डार्क भाई, इसको अम्ब्रेल सर्ज वाला अटैक मिला है ब्रो। विक्सन नॉक्ट और ब्लाजमोत रियो दोनों के अटैक्स इस वाले अनुबिस में आ चुके हैं। तो बाय चांस अगर किसी अनुबिस को भाई अटैक करने के लिए डार्क अटैक चाहिए तो हम इन दोनों के अनुबिस को यूज कर सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन गाइस। अगर आप लोग को भी अपना ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन देना है कमेंट सेक्शन में जरूर दो, एंड सब्सक्राइब करोगे तभी आपका ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। चलो भाई ये क्या है भाई ब्रो, एक रॉक टाइप नॉकलैम और यहाँ पर हमारा ब्लाजमोत रियो। इन दोनों ने फ्रोजन लार्ज कैसे दे दिए भाई, मैंने आज तक कभी भी एक फायर टाइप पोकेमोन और एक रॉक टाइप पोकेमोन को फ्रोजन एग निकालते हुए नहीं देखा भाई। चलो भाई लेट्स गो, देखते हैं इनके अंदर से क्या होने वाला है। और भाई ये देखो इसके अंदर कुछ तो लेजेंडरी निकलने वाला है भाई, चमक रहा है ये। 3 2 1 ब्रो क्रोनिक्स मिला है, वो भी इटर्नल फ्लेम वाला भाई। और इसके पास इग्निस ब्रेथ करके पावरफुल अटैक है, 30% इंक्रीज टू फायर अटैक एंड 30% इंक्रीज टू लाइटनिंग अटैक डैमेज। मां कसम ये मतलब बहुत हैवी पोकेमोन होने वाला है भाई। क्रॉनिक्स मिल गया रे, नॉट बैड भाई, नॉट बैड भाई। स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेटजिस्ट वगैरह काफी अच्छे अच्छे पैसिव स्किल्स मिल रहे हैं ऑनेस्टली। ये देखो मोटिवेशनल लीडर इन स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेटजिस्ट भाई, कितने टाइम बाद हम लोग क्रॉनिक्स को देख रहे हैं। आई फील रियली गुड भाई ऑनेस्टली यार। चलो नॉट बैड यार, अच्छा ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन है ये वाला भी। एंड यहाँ पर देखो भाई एक और बार मुझे लग रहा है यहाँ पर अनुबिस मिलने वाला है हमें, बट नॉट श्योर गाइस क्योंकि ये डोजन एक बहुत ही मिस्टीरियस पोकेमोन है, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा ये मैं खुद भी नहीं बता सकता हूँ भाई। ब्रीडिंग मास्टर अभी फिलहाल जीरो हो चुका है क्योंकि अभी नए पोकेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है मुझे। चलो भाई ओपन करते हैं भाई, ये भी चमक रहा है। 3 2 1 ब्रो व्हाट्सएप मिल गया हमें भाई साहब। भाई ये देखो एक फायर ड्रैगन एंड एक डोजन को अगर ब्रीड करते हैं तो हमारे पास एक पावरफुल व्हाट्सएप आ जाता है भाई। ये बंदा जो है ना किसी भी वॉर में भाई इसको आगे रख दो भाई, इसकी इतना जबरदस्त डिफेंस है ना इसका कि भाई कोई भी इसके डिफेंस को तोड़ के नहीं जा सकता। एक तो मेटल आर्मर से बना हुआ है भाई, देखो भाई सिक मजेदार भाई मजेदार। चलो भाई व्हाट्सएप भी हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं तीनों के तीनों भाई। ये देखो भाई ग्रास टाइप अटैक्स है, फायर टाइप अटैक्स है और इस वाले वॉरसाइक में भी फायर टाइप अटैक्स हैं। होपफुली भाई ये लोग आगे जाकर और भी पावरफुल पोकेमॉन्स बने। बट भाई अब हमारा नेक्स्ट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन देखो भाई, मीना स्टिंग टेरा। भाई ये क्या है भाई, एक बड़ा अंडा और दो छोटे अंडे दिए हैं भाई, वाह ह्यूज फ्रोजन एग भाई। मतलब इनके अंदर से कोई एक बॉस वाला पोकेमोन निकलने वाला है, बॉस एबिलिटीज वाला। हमारा मीना स्टिंग एक बॉस है तो शायद ये इसने ही बच्चा दिया है, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो गाइस वाले बड़ा वाला ह्यूज फ्रोजन एग खोलते हैं इन 3 2 1 कौन सा है वो, क्रायोनिक्स, वो भी बॉस वाला मिला है भाई। ये देखो कितना बड़ा साइज है इसका भाई। आ जाओ बाकी सारे भी खोलते हैं भाई, बहुत सारे क्रॉनिक्स मिल रहे हैं हमें भाई। दबे यार, ओ भाई वैनगार्ड और इटर्नल फ्लेम भाई, ये पूरे के पूरे स्कॉर्पियन पोकेमोन भाई, बहुत सारी इटर्नल फ्लेम मिल रही है यार। इटर्नल फ्लेम आज किससे रही है भाई, शायद इटर्नल फ्लेम है ना। ओके ब्लासमुत का बेस्ट एबिलिटी है इटर्नल फ्लेम। ओ भाई कॉमेट बराज आया है इसके पास, एंड इसके पास रॉक लैंस एंड इसके पास भी रॉक लैंस भाई। ये तो बहुत जबरदस्त ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन है यार। एक एक पोकेमोन निकल रहे हैं बट सारे पोकेमोन के पास अपनी अपनी यूनिक एबिलिटी है जो कि उनको अपने पेरेंट्स से मिली हुई है भाई। बहुत हार्ड भाई ये वाला देखो, अब ये इलेक्ट्रिक हेल्थ अपायर है, इसके अंदर से भी अगर क्रॉनिक्स निकला तो इस वाले क्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक अटैक होने वाले हैं। देखते हैं 3 2 1 ब्रो ये देखो इतनी सारी पैसिव स्किल्स, इटर्नल फ्लेम तो लिटरली हर एक क्रॉनिक्स में मिल रहा है भाई, मजे आ जाएंगे भाई मैं बता रहा हूँ भाई। वाटर ग्रास और आइस टाइप पोकेमोन, इन तीनों टाइप पोकेमोन की भाई ये नया पोकेमोन जो है ये वाट लगाने वाला है। खैर आज बहुत सारे क्रॉनिक्स मिल रहे हैं यार, प्लीज अब कुछ और दे दो भाई। यहाँ देखो भाई क्वारीन बोटान और हमारे ब्लाजमोत रियो ने मिलकर 3 डार्क लार्ज एग दिए हुए हैं। इनको भी ओपन करते हैं क्या निकलता है इनके अंदर से। आई डोंट नो इसके अंदर से क्या निकल सकता है भाई, मैं बता रहा हूँ ब्रीडिंग मास्टर एकदम स्टडी कर रहा है अभी ये सारे पोकेमोन्स को। चलो 3 2 1 शैडोबिक, ओ हेल्थ ऑफ फायर ओरिजिनल वाला भाई, मोटिवेशनल लीडर मिल गया भाई इसको, नाइस। चलो भाई और देखते हैं कौन से मसल हेड, बहुत बढ़िया भाई ये क्या क्वेरिन मसल हेड है क्या। एंड वी हैव अ इटर्नल फ्लेम वंस अगेन भाई, ऑलमोस्ट सारे के सारे पोकेमोन को इटर्नल फ्लेम मिल रही है भाई। ये देखो सारे के सारे हेल्थ ऑफ फायर यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई। हमारे
इटरनल फ्लेम ब्लाजामुत और यहाँ पर मसल हेड क्वेरी, इस वजह से मसल हेड मिला था हमें। ऑल राइट यार, ये क्या है भाई, श्रूमर नॉग और ब्लाजामुत रियू ने मिलकर भाई छोटे वाले फायर अंडे दिए हैं यार, इनसे तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं यार। खैर चलो देखते हैं इनके से क्या निकल सकता है, हो सकता है कि फॉक्सिकल निकले या फिर कोई छोटा वाला पावरफुल पोकेमोन मिले। इन 3, 2, 1 वायरन मिला है यार, नॉट बैड भाई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है गाइस। इसके सैडल के ऊपर जब हम बैठते हैं और कोई अटैक करते हैं तो वो अटैक्स भी गाइस एक फायर अटैक काउंट होता है, तो कोई भी अगर एक आइस टाइप पोकेमोन आता है हमारे सामने तो हम पायरिन के ऊपर बैठ के मार सकते हैं, क्योंकि हालांकि अभी ये मीटियोर में मारूंगा तो ये कोई टाइप में काउंट नहीं होता है, बट जब हम लोग पायरिन का सैडल बना के उसके ऊपर बैठेंगे तब वो मीटियोर एक फायर टाइप मीटियोर काउंट हो जाएगा। तो भाई चलो इनको भी अंदर डालते हैं, भाई ये भी बहुत बढ़िया पोकेमोन है भाई। चलो भाई सारे के सारे ब्रीडिंग हो चुके हैं, अब बारी है हमारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की, भाई राजा और रानी यहां पर हमारे ब्रीड करके आ चुके हैं। यूज स्कॉर्चिंग एग लेकर, 3 यूज स्कॉर्चिंग एग भाई, सुजाकू के अलावा कुछ भी मिल जाए आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है, सुजाकू के अलावा कुछ भी या फिर ब्लासामो से मिल जाए तो भी मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स सी इन 3, 2, 1 एंड वी हैव अ लेजेंडरी ब्लाजामुत ब्रो, भाई मजेदार, और हम लोग भाई लेवल 55 के हो चुके हैं फाइनली, लेट्स गो। 55 लेवल होने का मतलब ये है कि हम लोग ये सारी चीजें अब अनलॉक कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये देखो, ब्लाजामुत रियू का सैडल बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें गाइस नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना एंड कमेंट सेक्शन में अपने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन भी बताओ, सो दैट आगे फ्यूचर में जब ब्रीडिंग एपिसोड हो तो आप लोग को देखने मिले, है ना। चलो ब्रो ये देखो, मसल हेड, इटर्नल फ्लेम, फ्लेम एम्परर, मतलब जो हमारा रेड वाला ओजी ब्लाजामुत है इसके अंदर दोनों की पावर आ चुकी है, क्योंकि इटर्नल फ्लेम भाई बहुत रेयर होती है ब्लाजामुत ओरिजिनल वाले के अंदर। भाई मैं बता रहा हूं गाइस, एक परफेक्ट ब्लाजामुत तो बनाना बहुत जरूरी है। ये देखो भाई ये वाला क्या ही एबिलिटीज है भाई, मतलब हमारा ओजी वाला ब्लाजामुत गाइस सारी चीजें करने वाला है। ब्रो आज के ब्रीडिंग कॉम्बिनेशंस कितने जबरदस्त निकले हैं, अब इन सारे के सारे पोकेमोन्स को थोड़ा आराम दे देते हैं ना, यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर आ जाओ, सारे के सारे आराम कर लो अब थोड़ा। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा काम करा आप लोगों ने, एंड अब हमारा ब्रीडिंग बेस खाली हो चुका है, तो आप लोग इसको भर सकते हो सब्सक्राइब करके एंड कमेंट सेक्शन में अपना ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन बता के, क्योंकि ये नए नए पोकेमोन्स अभी भी बहुत सारे बाकी है और इनकी आपस में ब्रीडिंग भी अभी बहुत सारी बाकी है, तो आप लोग अपने फेवरेट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसी के साथ इस एपिसोड की एंड तक आ चुके हैं हम लोग, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके, मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8:30 बजे, लव यू ऑल, बाय।